नमस्कार दोस्तों आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो में आरबीआई की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर द्वारा 5 मई 2021 को रीस्ट्रक्चरिंग पर जो बात की गई है और उसका मोरेटोरियम से क्या लेना देना है इसी बिंदु पर एक छोटा सा डिस्कशन लेकर के आपके सामने आ रहा हूं तो दोस्तों सबसे पहले नॉम यानी आरबीआई ने इस पॉलिसी के थ्रू नामकरण क्या किया है आरबीआई कहती है कि साहब ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है यानी पिछला रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0 पॉइंट अगस्त 2020 हजार को आरबीआई की ओर से आया था और अब सरकार ने आरबीआई ने रादर प्रेजेंट कंडीशंस के थ्रू एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 सजेस्ट किया है तो दोस्तों ये जो इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लिए आरबीआई की ओर से रिस्ट्रक्चरिंग का टू वर्जन लेकर के आया गया है इसमें मोरिटोरियम पर आरबीआई ने स्पष्ट व्यवस्था नहीं की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जैसा मैंने भी कुछ दिनों पहले एक वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट की थी भारत सरकार से कि भारत सरकार मॉरेटोरियम पर पुनः विचार करे लेकिन इस बार आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि हम मॉरेटोरियम के बारे में यहां स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे अर्थात वो लोग जो इस एक्सपेक्टेशन में थे कि भारत सरकार या आरबीआई मॉरेटोरियम पर बात करेगी मॉरेटोरियम की स्पष्ट चर्चा यहां नहीं हो रही लेकिन जैसा आरबीआई ने इस प्लान का भी नाम रखा उसी प्रकार से यहां रीस्ट्रक्चरिंग की बात जरूर की गई है रीस्ट्रक्चरिंग क्या है दोस्तों इस पर मैं डिटेल डिस्कशन आगे करता हूं और आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो रीस्ट्रक्चरिंग होगी उसकी कट ऑफ डेट होगी 30 सितंबर 2021 जिसको 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन यानी मान लीजिए आपने एक जून को रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन ले लिया तो एक जून से तीन महीने की अवधि 90 डेज के अंदर अंदर आपका वो रिस्ट्रक्चरिंग फिर इफेक्टिव करना होगा

इंडिविजुअल्स हुव अवेल्ड ऑफ पर्सनल लोन एक्सक्लूडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन टू देयर ओन पर्सनल और स्टाफ यानी बैंकों के खुद के कर्मचारियों को छोड़ दीजिए ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने कोई होम लोन लिया हो कोई पर्सनल लोन लिया हो या कोई और लोन की फैसिलिटी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है वो इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में एलिजिबल हैं इंडिविजल्स हू हैव अवेल्ड लोन्स एंड एडवांसेज फॉर बिजनेस पर्पजेस एंड टू होम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैव एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन ट्वेंटी फाइव करोर्स एज ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क टू पॉइंट जीरो का हिस्सा वो बोरोवर्स बनेंगे दोस्तों जिनका टोटल एक्सपोजर पच्चीस करोड़ से ज्यादा इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस को नहीं है स्मॉल बिजनेसेस इंक्लूडिंग दोज एंगेज इन रिटेल एंड होलसेल रेट अदर देन दोज क्लासिफाइड एज एमएसएमई एज ऑन इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस टू होम द लैंडिंग इंस्टीट्यून एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन ट्वेंटी और दोस्तों में जोड़ना चाहूंगा मैंने इस वीडियो में स्पष्ट चर्चा नहीं करी लेकिन रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क टू पॉइंट जीरो है इसमें एमएसएमई संस्थाओं को भी बेनिफिट देने का प्रावधान आरबीआई ने किया अब जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी थी उसी में कुछ और कंडीशन दो बी एलिजिबल हु अंदर अर्लियर रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क यानी आपने रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 1.0 में यानी पिछले साल के रीस्ट्रक्चरिंग में अगर अवेल नहीं किया तो भी आप इस रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 का बेनिफिट ले सकते हैं हव एवर दो रीस्ट्रक्चरिंग अर्लियर यानी आपने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क वन जो दो में आया था अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया तो भी आप मॉरेटोरियम का फर्दर एक्सटेंशन टोटल मैक्सिमम दो ईयर के पीरियड के लिए अवेल कर सकते हैं तो मैं इसे और क्लैरिटी से बोलूं सर अगर आपने पिछले साल रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट लिया है जिसमें आपने कुछ मोरेटोरियम के लिए भी बैंक से रीस्ट्रक्चरिंग में ऑप्शन क्लेम किया था तो आपका वो मोरेटोरियम जो आपने रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 1.0 में लिया था 2020 में उसे फर्दर बैंक बढ़ा पाएगा साथ ही दोस्तों अगर आपने पिछले साल रीस्ट्रक्चरिंग नहीं लिया पर इस साल आपको लगता है मुझे रीस्ट्रक्चरिंग लेना चाहिए आप रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट ले सकते हैं यहां पर दोस्तों बड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूं रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है रीस्ट्रक्चरिंग प्लान मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ ईएमआई पेमेंट यानी बैंक आपको हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कुछ समय ईएमआई पेमेंट से मुक्ति दे कन्वर्जन ऑफ एनी इंटरेस्ट इन टू अनदर क्रेडिट फैसिलिटी आपकी क्रेडिट फैसिलिटी को किसी और तरीके में या जो इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है उसे किसी तरीके से और कैपिटलाइज करके उसकी एक अलग क्रेडिट फैसिलिटी बना दे एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों आरबीआई ने इन जनरल मॉरेटोरियम की बात नहीं करी पर आप रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क के अंदर जब रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में बैंक के पास जाएंगे तो हो सकता है बैंक आपको मोरेटोरियम के लिए स्पष्ट व्यवस्था अलग से कर दे इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पर रिवीजन इन वर्किंग कैपिटल सेंक्शन इवन इज पॉसिबल अंडर दिस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क टू पॉइंट जीरो हाउ एवर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट शेल नॉट बी परमिटेड यदि आप यह सोच रहे हो कि सर आरबीआई कोई बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट करने के लिए अधिकृत कर रही है इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में तो दोस्तों ऐसा नहीं है अब दोस्तों मिलियन डॉलर क्वेश्चन है हाउ टू अवेल रीस्ट्रक्चरिंग आप रीस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट कैसे लेंगे चलिए आरबीआई तो कह रही है कि साहब हम स्पष्ट रूप से सबको मॉरेटोरियम नहीं दे रहे हम रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क टू बना रहे हैं ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 इंप्लीमेंट करना अल्टीमेटली बैंक के हाथ में है यानी आरबीआई ने स्पष्ट मॉरिटोरियम बोला नहीं रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क अब बैंकों को बनाना है तो आरबीआई की पॉलिसी कहती है द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शेल फ्रेम बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज एट द अर्लिएस्ट आरबीआई ने यह जिम्मेदारी अब रेलेवेंट बैंकों के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड को दे दी बट नॉट लेटर देन फोर वीक फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर यह सर्कुलर है सर पांच मई का तो पांच मई से चार हफ्ते के अंदर अंदर बैंकों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक अपनी स्पष्ट पॉलिसी बना के लानी है कि वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क टू में अपने ग्राहकों को क्या समाधान देंगे Pertaining टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ वायबल रेजोल्यूशन प्लान फॉर एलिजिबल borrowers under अंडर दिस फ्रेमवर्क एंश्योरिंग दैट under अंडर दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली टू द having हैविंग स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ कोविड 19 यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि यहां पर आरबीआई बैंकों को यह मैसेज दे रही है कि आप अपनी एक ब्रॉड पॉलिसी बनाइए जो आपके बोर्ड से अप्रूव होगी उसमें यह आप तय करिए कि कौन से ऐसे बोरोवर हैं जो कोविड की वजह से स्ट्रेस में है आप उन्हें निश्चित करिए और फिर आप उनको इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का बेनिफिट दीजिए क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं वो मैंने आपके सामने पहले रखा कि भाई क्रेडिट फैसिलिटी को दूसरी क्रेडिट फैसिलिटी में चेंज करना किसी प्रकार से लोन के टर्म को एक्सटेंड करना मॉरेटोरियम देना ये सारे ऑप्शंस उस रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं अंत में दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं कि इस आरबीआई पॉलिसी यानी आरबीआई पॉलिसी का रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एज ऑन 31 मार्च 2021 आपका लोन एनपीए नहीं होना चाहिए यानी मोर देन 90 डेज ओवरड्यू नहीं होना चाहिए अगर एनपीए है सर तो इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का बेनिफिट आपको प्रॉबेबली नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से सर बहुत सारी जनता जनार्दन को यहां पर निराशा भी हुई होगी कि एक स्टैंडर्ड मॉरेटोरियम सबके लिए नहीं दिया गया लेकिन अगर आप वास्तव में कोविड 19 से आपका व्यापार आपके अर्निंग सोर्सेज प्रभावित हुए हैं तो आप अब आरबीआई पॉलिसी के रेफरेंस से बैंकों की गाइडलाइंस का वेट करें वंस दोज गाइडलाइंस विल बी देयर यू विल बी एबल टू सी के वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर बेनिफिट ऑफ मॉरेटोरियम और रीस्ट्रक्चरिंग एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर्टिकुलर पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं तो मेरी ओर से सर यह एक छोटा सा अपडेशन आपकी सेवा में प्रस्तुत था मैं आशा करता हूं आप एवं आपका परिवार कोविड की वर्तमान लहर से सुरक्षित रहें और भारतवर्ष एवं भारतवर्ष के नागरिक पुनः वापस समृद्धि की राह पर लौटे